शिव आप दोनों ने शैतान में एक साथ काम किया था, काफी साल हो गए उसको, बिल्कुल 4-5 साल। इस दौरान आप दोनों में क्या कुछ बदला, अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बता पाए, हाउ यू पीपल हैव डिस्कवर्ड ईच अदर आफ्टर वर्किंग इन शैतान नाउ? आई थिंक फर्स्ट टाइम कल्की सॉ मी ऑन दिस फिल्म, लाइक तू भी है इसमें अपने। नो, आई थिंक द डायनामिक कल्की मी वाज शेयरिंग इज शैतान वाज diametrically opposite as to the dynamic we're sharing here. Here we're playing brother and sister, there we're playing... There I killed him. There she killed me. I think what helped, I think, for this film was that while in Shaitan, I met her for the first time and, you know, we had to kind of, like any two human beings, kind of develop a rapport with each other. Here the rapport, I think, already existed and they hadn't been any change, even though there was a gap of a few years in the middle. So it was very comfortable for me to work with her again, and in fact I was looking forward to working with her, because in Shaitan it was kind of, you know, we were this young bunch of kids together having kind of a sometimes sexual, sometimes romantic, sometimes friendly kind of a vibe towards each other. Yahan pe we were playing brother and sister, so it was interesting to see that dynamic. बड़ी कमर्शियल कास्ट नहीं है और इट्स एन इंडी सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट विच इज अबाउट वेरी रियल, इट्स नॉट अ ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ एस्केपिस्ट फिल्म, इट्स वेरी मच अबाउट आवर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री एंड हाउ वी आर डीलिंग विद देम और नॉट डीलिंग विद देम, द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर राइजिंग. देयर इज नो सॉन्ग्स हमारी फैमिली को ज़्यादातर देखा जाता है जो सोशल नॉर्म्स हैं या फिर ओल्ड मेंटालिटी है, अभी भी कई जगह पर है. तो इस लगता है कि अब बहुत धीरे धीरे बदलाव आ रहा है फिल्मों के जरिए, इसका प्रभाव भी बदलाव हो रहा है. इन द सेंस दैट लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में. पहले तो हम बात ही नहीं कर सकते थे, सब अंडर द कार्पेट ब्रश करते थे, हम सामने नहीं बात करते थे. अभी पब्लिक में लोग बात कर रहे हैं कि यू नो वी हैव दीज इशूज, वट एवर द इशूज माइट बी, जेंडर इशूज, जेंडर इक्वालिटी और यू नो एजुकेशन और सो मेनी अदर थिंग्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो सेंसरशिप इशूज, दीज आर ऑल इशूज दैट अभी हम जो सामने आ गए हैं. या आई जस्ट थिंक दैट इट्स अ गुड टाइम वेयर वी हैव द मीडिया दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज इशूज अ लॉट मोर, एज वेल एज सोशल मीडिया विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म नाउडेज. सो या दैट्स द फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जनरेशन माइट अंडरस्टैंड इट. आई थिंक दिस जनरेशन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, नेक्स्ट जनरेशन माइट कम टू एक्सेप्ट थिंग्स. हमने जिस ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे रिस्पॉन्स और अप्रिशिएशन मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रेलर तो एक इनविटेशन है, एक न्योता है फिल्म के लिए. अगर ट्रेलर लोगों को अच्छा लगता है तो शायद वो आगे फिल्म देखेंगे. सो दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ एन इंट्रीगिंग ट्रेलर. आई एम ग्लैड यू फाइंड इट इंट्रीगिंग, सो होपफुली यू विल कम एंड वॉच द फिल्म. अच्छा, फिल्म का जो टाइटल है वो कर्म है, मंत्र है, मतलब ऑडियंस को किस तरह से रिलेट करेगी? देखिए, फिल्म एक बहुत स्पेसिफिक टाइम में सेट है, लेट 90s में, जब हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा था, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी, उस टाइम में फिल्म सेट है. और एक बिजनेस फैमिली के बारे में, आई एम प्लेइंग कपिल कपूर हु इज द हेड ऑफ दैट बिजनेस एंड ही इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एंड हिज फैमिली इज ऑल्सो फॉलोइंग अपार्ट एट द सेम टाइम. सो दिस इज द फिल्म, इट्स अ फिल्म अबाउट अ फैमिली, इट्स अ फिल्म अबाउट चेंजिंग टाइम्स. देखिए ऑडियंस क्या लेके जाती है, क्या किस तरह से रिलेट करती है. इट्स अ फिल्म ऑफकोर्स विदाउट सॉन्ग्स, विदाउट फाइट सीन्स, विदाउट बिग स्टार्स. सो इट इज़ अ नीश फिल्म इफ यू वॉन्ट.